अब सॉल्व होंगे सारे फिजिक्स केमेस्ट्री मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस बस जुड़ जाए सुनीता देवी एकेडमी के साथ बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग सुनीता देवी एकेडमी नाउ हमारा क्वेश्चन है यू फाइंड योर मास टू वी फोर्टी टू के जी ऑन अ विंग मशीन हमने विंग मशीन पर अपने मास को मेज़र किया तो हमें मिला फोर्टी टू के जी नाउ इज योर मास मोर आर लेस देन फोर्टी टू के जी हमारा जो एक्चुअल मास है वो फोर्टी टू के जी से लेस होगा या फिर मोर होगा सो so आंसर देखते हैं आवर बॉडी मास इज़ लेस देन फोर्टी टू के जी हमारे बॉडी का जो मास है वो फोटी टू के जी से लेस होगा दिस इज बिकॉज वेन वी वेट आवर बॉडी ऑन एंड वेट मशीन एन अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन इट जब हम अपने बॉडी का वेट मेज़र करेंगे वेट मशीन पर तो वहाँ पर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा एंड दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट थ्रस्ट आर वॉल्ट फोर्स यह जो अपवर्ड फोर्स है इसे हम या फोर्स कहते हैं जो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है अ रिजल्ट, बॉडी गेट स्लाइटली अपवर्ड कॉजिंग द वेट मशीन टू शो अ रीडिंग लेस देन द एक्चुअल वैल्यू इस अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से जो हमारी बॉडी है वो स्लाइटली ऊपर की तरफ यानी अपर डायरेक्शन में उठ जाएगी जिसकी वजह से जो वेट मशीन है वो हमें रीडिंग लेस शो करेगी हमारे एक्चुअल मास से यानी कि हमारी बॉडी का जितना एक्चुअल मास है उससे कम रीडिंग शो करेगी वेट मशीन इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि वेट मशीन पर अप्रष्ट फोर्स लगेगा या फिर वॉल्यूसी फोर्स लगेगा सो दिस इज़ आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सो so, वहाँ से इन क्वेश्चन को भी देखें एंड प्लीज़ सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल सुनीता देवी एकेडमी एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो थैंक यू